Good morning. This is the new chapter. The chapter is photosynthesis. In this lecture, today we going to discuss about photosynthesis. General introduction of photosynthesis, reaction of photosynthesis, और reaction के बारे में जो भी एक simple सी information है उसको इस lecture में discuss करेंगे. फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जब बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस है क्या. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट्स CO2 एंड H2O इनटू शुगर बेस्ड केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ, और वी कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सिंपल सा प्रोसेस है ये. ऐसा प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स में हो रहा है, और इसमें ग्रीन प्लांट्स CO2 और H2O को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O को कन्वर्ट कर रहे हैं शुगर बेस्ड केमिकल एनर्जी के अंदर. और वो जो शुगर बेस्ड केमिकल एनर्जी है वो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6. इसके लिए इनको रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल की और सनलाइट की. क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये पूरा प्रोसेस होगा, और सनलाइट की प्रेजेंस होनी भी रिक्वायर है. तो सनलाइट ऐसा नहीं है कि सनलाइट पूरे टाइम रिक्वायर है, बट एक ऐसा स्टेप है इसके अंदर जहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस मस्ट है. अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा. तो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. जितने ही प्लांट्स हैं वो अपने फूड की प्रिपरेशन के लिए, उसके फूड के फॉर्मेशन के लिए डिपेंड करते हैं जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं उन पर. ह्यूमंस की बात करें या दूसरे एनिमल्स की बात करें, जब प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस क्या है प्लांट और एनिमल के अंदर. न्यूट्रिशन के बेस पर अगर बात करेंगे तो प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में. देखते हैं यहाँ पर पढ़ना है CO2 और H2O को यूटिलाइज कर रहे हैं प्लांट्स और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं शुगर के अंदर, ग्लूकोज के अंदर. ह्यूमंस क्या करते हैं या एनिमल्स क्या करते हैं, जब एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उनको सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. हम लोग ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते. वी आर नॉट एबल टू डू दिस. तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है, CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसको यूज़ करके फॉर्मेशन कर रहे हैं ग्लूकोज का. द चैप्टर इज फोटोसिंथेसिस. The definition of photosynthesis is This is the definition of photosynthesis. जिसमें plants, green plants, CO2 और H2O को convert कर रहे हैं sugar based chemical energy के अंदर with the help of
सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो दोनों रिक्वायर है। अब एक सिंपल सी रिएक्शन है, एक सिंगल लाइन की रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी लंबा चलेगा, काफ़ी दिन चलेगा इसके लेक्चर्स, बट सिंपल सी जो डेफिनेशन, जो रिएक्शन है इसकी, वो आपको याद होनी कंपलसरी। अगर वो याद नहीं हुई तो पॉसिबल नहीं है कि आपको पूरा फोटोसिंथेसिस कुछ समझ में आए। तो सबसे पहले रिएक्शन, सिक्स CO2 प्लस 12 H2O, सिक्स CO2 प्लस 12 H2O, फॉर्मेशन होगा C6H12O6 का, यही तो बनाना था, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यहाँ इसको चेंज करते हैं, H2 का यहाँ लेते हैं, दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वन लाइन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप इसको ध्यान से देखें, आपको पता चलेगा दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये ऐसा प्रोसेस जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है और कैसे ये साथ में हो रहा है? तो यहाँ पर CO2 है, H2O है, एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन, किसका क्या हो रहा है देखते हैं। वैसे यहाँ पर भी कुछ आएगा, यहाँ जनरली हम लोग टेम्परेचर लिखते हैं रिएक्शन के अंदर, जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो टेम्परेचर लिखते हैं या कैटलिस्ट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से कुछ नाम, जैसे सनलाइट क्लोरोफिल, तो ये प्रोसेस सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो हो रहा है, इसलिए इनको भी मेंशन करेंगे यहाँ। हाँ, तो बात की थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, यहाँ पर CO2 का रिडक्शन हो रहा है, C6H12O6 यहाँ पर इसका हो रहा है रिडक्शन, CO2 का रिडक्शन हुआ ग्लूकोज के अंदर। रिडक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन हुआ और दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है O2 के अंदर। यहाँ एक आप नोटिस करें, 6 इज डोमिनेंट, 6 यहाँ पर डोमिनेंट है, 6 बार बार आएगा। जैसे रेस्पिरेशन पढ़ा था तो रेस्पिरेशन में भी 6 डोमिनेंट था, अगेन एंड अगेन रिएक्शन में शो हो रहा था, यहाँ पर भी 6 डोमिनेंट है, बट यहाँ पर 12H2 है, बस एक 12H2 यहाँ पर याद रखें, बाकी तो सब जगह 6 मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो रिएक्शन रेस्पिरेशन की और फोटोसिंथेसिस की याद करना बहुत ईजी है। तो यहाँ एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर अब होगा क्या, ये इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, जब आपने आपको CO2 का रिडक्शन करना है, CO2 का रिडक्शन होगा तभी फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज का, तो CO2 का रिडक्शन किया, फॉर्मेशन किया ग्लूकोज का, तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है H2O से। तो वाटर का जब आपने ऑक्सीडेशन किया, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं इन दी रिडक्शन ऑफ CO2। बट इसके फोटोलाइसिस के लिए, इसका फोटोलाइसिस होता है, एनर्जी आएगी कहाँ से, इसका ऑक्सीडेशन करना है आपको तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, तो इसके एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल होगी वो होगी सनलाइट से।
सनलाइट की जो रेडिएशन एनर्जी है, सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और फोटोलाइसिस होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का उससे रिलीज होने वाली एनर्जी यूज करेंगे इन द रिडक्शन ऑफ CO2. दिस इज जनरल एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें सिंपल सा डिस्कस किया है कैसे रिएक्शन हो रही है फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है और यहाँ पर कैसे ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है. ये रिएक्शन अगर समझ में आ गई, इसको बैलेंस करना आप सीख गए, इसको याद कर लिया आपने बैलेंस रिएक्शन को, तो आगे का पूरा प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत ईजीली आप इसको कंप्लीट समझ सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं.